بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? अल्लाह। अबू बकर बताएंगे। अबू बकर ये क्या लिखा हुआ है जोर से? अबान बताएंगे। शाबाश। आपको बताइए क्या लिखा हुआ है? अहद। क्या लिखा हुआ है? अहद। और ये वाहिद। वाहिद। हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला कितने हैं? एक। तो जो एक होने वाला अल्लाह ताला का नाम है वो कौन सा है? अहद। अहद और वाहिद, दो नाम है एक होने वाले। अल्लाह ताला एक है ना, तो वो एक होने वाले अल्लाह ताला के कितने नाम है? दो। कौन कौन से है? अहद और वाहिद। अल्लाह ताला कितने हैं? एक। तो एक होने वाले नाम कौन कौन से हैं? दो। अहद, अहद, वाहिद। जी, अल्लाह ताला के एक होने वाले नाम कौन कौन से हैं? अहद और वाहिद। कौन कौन से नाम हैं? अहद और वाहिद। अहद का मतलब, अहद और वाहिद का क्या मतलब होता है? कि अल्लाह एक है। क्या मतलब होता है? एक है। अहद और वाहिद का क्या मतलब होता है? अल्लाह एक है। कौन एक है? अल्लाह। अल्लाह ताला की तरह कोई और है? नहीं। वो क्या है? उसके जैसा कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला के जैसा कोई भी नहीं है। क्या अल्लाह ताला जैसा कोई है? नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला के क्या नाम है? दो। कौन से वाले? अहद और वाहिद। अहद और वाहिद। अहद और वाहिद से हमें क्या पता लगता है? कि अल्लाह एक है और अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं हो सकता। शाबाश। अल्लाह ताला कितने हैं? एक। और अल्लाह ताला जैसा कोई है? नहीं। अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं।